Okay, dear students, we will continue with the chemical reactions of alcohol, monohydric alcohol. So, in the topic alcohol, we had seen so far. एक बार short में revise करते हैं क्या पढ़ना है फिर आगे देखते हैं. तो alcohol वाले topic में सबसे पहले क्या देखा? Definition of alcohol. Then classification of alcohol देखा हमने, monohydric, dihydric, trihydric, polyhydric alcohol. फिर उसी में एक classification था कि OH group कौन से carbon से attached है, sp3 hybridized से attached है, उसके बाद वाला sp3 है या sp2 है वो देखा था हमने. फिर OH group sp3 से hybridized है लेकिन directly next attached to benzene ring. बेंजाइलिक अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल, विनाइलिक अल्कोहल, ऐसे हमने तीन चार क्लासिफिकेशन वहाँ भी पढ़े थे. तो टू वेज ऑफ क्लासिफाइंग नोमेनक्लेचर, थ्री वेज ऑफ नेमिंग कंपाउंड. वन इज कॉमन नेम सिस्टम, सेकेंड कार्बिनॉल सिस्टम. कार्बिनॉल याद आ रहा होगा, मीथेनॉल को कार्बिनॉल बोलते हैं, है ना. और बाकी जो कंपाउंड बनेंगे वो कार्बिनॉल के डेरिवेटिव, जैसे इथाइल कार्बिनॉल, ब्यूटाइल कार्बिनॉल, लाइक दैट. और IUPAC सिस्टम तो आप सभी को साइंटिफिक टर्म से हमने पढ़ा था आता है. तो नोमेनक्लेचर के थी, क्लासिफिकेशन दो टाइप्स है. देन फिजिकल प्रॉपर्टी में तीन प्रॉपर्टीज पढ़े, एक फिजिकल स्टेट कि गैशियस फॉर्म में है ना. दूसरा बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था हमने, why boiling point is higher and lower, and third is what we had seen, solubility in water, है ना. तो lower members are soluble, higher members are not soluble in water because they cannot create hydrogen bonding. Then chemical properties पढ़ रहे थे हम. chemical properties को दो category में किया हमने कि breaking of OH bond and breaking of CO bond. breaking of OH bond में दो रिएक्शन पढ़े, एक एसिडिक नेचर पढ़ा हमने, है ना, दैट अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर, दिस वी हैव सीन. देन अनदर इज एस्टरिफिकेशन का हमने देखा था, उसमें तीन रिएक्शन है. अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करें तो एस्टर बनता है, अल्कोहल को एसिटिल क्लोराइड से रिएक्ट किए इन प्रेजेंस ऑफ पाइरीडीन तो एस्टर बनता है, अल्कोहल को एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करेंगे एसिडिक मीडियम में तो भी एस्टर बनता है. तो एस्टर की तीन रिएक्शन पढ़े, एसिडिक नेचर की दो रिएक्शन पढ़े. अब उसके बाद और पढ़े थे हमने ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड. ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड में एक रिएक्शन पढ़े थे हमने, रिएक्शन विथ HX. और HX में भी हमने क्या कंसिडर किया, HCl, है ना. तो HCl को हमने रिएक्ट किया था प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल में. अब ये जो HCl के साथ में रिएक्शन है, यहाँ बोर्ड पे देखेंगे आप लोग, है ना. तो ये प्राइमरी अल्कोहल लिया हमने, 1 डिग्री ROH है, HCl से रिएक्ट किया इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एंड HCl2, आपको प्राइमरी अल्काइल अलाइन 1 डिग्री RX मिल गया, सही है. यहाँ पर हमने कैटलिस्ट यूज किया एनहाइड्रस ZnCl2. सेकेंडरी अल्कोहल है ये, इसको रिएक्ट किया और आपको यहाँ पर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड मिल गया, फिर से 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड. टर्शियरी अल्कोहल को रिएक्ट किया तो आपको 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड मिल गया. अब 3 डिग्री अल्कोहल में कैटलिस्ट की जरूरत नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है. अब इसी रिएक्शन में क्या पढ़ने का है हमको कि ZnCl2 यानी HCl प्लस अनहाइड्रस ZnCl2, अनहाइड्रस ZnCl2, दिस इज नोन एज लुकास रिएजेंट. लुकास रिएजेंट, ये नाम याद रखने का है ना. तो ये लुकास रिएजेंट काई में लग रहा, प्राइमरी और सेकेंडरी में, टर्शियरी में लुकास रिएजेंट नहीं लगता है. तो ये लुकास रिएजेंट यूज करके
हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. वी कैन डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल बाय यूजिंग लुकास रिएजेंट. उसका रीजन क्या है कि अल्कोहल और लुकास रिएजेंट को आपने मिक्स किया तो वो कलरलेस है. सिर्फ अल्कोहल लिया कलरलेस, लुकास रिएजेंट मिक्स किया कलरलेस, लेकिन जैसे प्रोडक्ट बनता है कौन सा 1 डिग्री RX 2 डिग्री RX 3 डिग्री RX, ये प्रोडक्ट जब बनते हैं तो सॉल्यूशन कलरलेस होने के बदले, क्लियर सॉल्यूशन होने के बदले उसमें टर्बिडिटी आने लगती है. यू नो द मीनिंग ऑफ टर्बिडिटी, है ना? क्लियर सॉल्यूशन और टर्बिड सॉल्यूशन आपको ध्यान में आता होगा. आपने थोड़ा सा अगर सॉइल उठाया और वाटर में ऐड कर दिया और उसको मिक्स किया तो वाटर क्या हो जाएगा? टर्बिड. वाटर विल बिकम टर्बिड क्योंकि उसमें जो मड और सॉइल के पार्टिकल है वो वाटर में क्या रहेंगे? डिस्पर्स रहेंगे, उसी में घूमते रहेंगे. करेक्ट है? तो दैट इज व्हाट वी कॉल टर्बिड सॉल्यूशन. तो होता क्या है कि हमने प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, देखिए क्या लिखा है मैंने ऊपर में, अल्कोहल प्लस लुकास रिएजेंट. लुकास रिएजेंट क्या है बेटा? HCl गैस एंड एनहाइड्रस ZnCl2 इज लुकास रिएजेंट. तो अल्कोहल और लुकास रिएजेंट बेसिकली कलरलेस होते हैं, लेकिन जैसे प्रोडक्ट बनता है तो उसमें टर्बिडिटी डेवलप होती है. अब टर्शियरी अल्कोहल और लुकास रिएजेंट अगर हमने ऐड किया तो इंस्टेंटली वहां पर टर्बिडिटी आ जाएगी. टर्शियरी अल्कोहल लिया, लुकास रिएजेंट ऐड किया, वैसे हम लुकास रिएजेंट ऐड कर रहे हैं क्या रिएक्शन में? नहीं कर रहे. लेकिन टू डिस्टिंग्विश, ये क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ROH बाय लुकास रिएजेंट, ये पूरा क्वेश्चन बन गया आपका. तो होमवर्क के लिए ये एक क्वेश्चन आप लिख लेने का है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल बाय लुकास रिएजेंट. और उसका आंसर ये रहेगा, टर्शियरी अल्कोहल लुकास रिएजेंट इंस्टेंटली टर्बिडिटी आएगी, सेकेंडरी अल्कोहल लुकास रिएजेंट स्लोली टर्बिडिटी डेवलप होगी, और प्राइमरी अल्कोहल और लुकास रिएजेंट ये टर्बिडिटी नहीं शो करेगा जब तक आप उसको हीट नहीं करेंगे. दैट मीन्स प्राइमरी अल्कोहल एंड लुकास रिएजेंट विल फॉर्म अ टर्बिड सॉल्यूशन ओनली आफ्टर हीटिंग. हीट करेंगे तब उसमें टर्बिडिटी आएगी, तब तक प्राइमरी अल्कोहल में टर्बिडिटी नहीं है. तो फिर से एक बार कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? टर्शियरी अल्कोहल लुकास रिएजेंट दिख रहा है, इंस्टेंटली टर्बिडिटी डेवलप. सेकेंडरी अल्कोहल लुकास रिएजेंट स्लोली टर्बिडिटी डेवलप्स. 1 डिग्री ROH लुकास रिएजेंट टर्बिडिटी ओनली आफ्टर हीटिंग. सो दिस रिएक्शन ऑफ लुकास रिएजेंट एंड अल्कोहल कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल. तो ये क्वेश्चन मिल गया आपको, करेक्ट है? दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे असाइनमेंट के लिए, एक्सप्लेन एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल. क्वेश्चन नंबर 1 आ गया. क्वेश्चन नंबर 1, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश 1, 2, 3 डिग्री अल्कोहल बाय लुकास रिएजेंट. क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल with example, with reaction, with chemical reaction, with chemical reaction. Question number 3, how will you get an ester
from alcohols. Show chemical reactions. ओके तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन आपका. तो क्या क्या पढ़ लिया ये चैप्टर में, एक शॉर्ट रिवीजन हमने कर लिया. डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल वो हो गया. अब आज हमें पढ़ना है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जिसमें ब्रेकिंग ऑफ सी ओ बॉन्ड जो हम पढ़ रहे थे वो कंटिन्यूएशन में होगा. तो हमारा पॉइंट नंबर टू है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ सी ओ बॉन्ड इन एल्कोहल्स. और इसमें बेटा फर्स्ट रिएक्शन हमने पढ़ लिया था रिएक्शन विद HCl, और आज अभी पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स. ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स. तो इट्स अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट वन, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स. अब एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेंगे. डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर. तो अल्कोहल मॉलिक्यूल बनाओ, स्ट्रक्चर लिखो और उसमें से डिहाइड्रेशन कर लो. चलो ये क्वेश्चन इरेज करता हूँ. ओके, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स. अब डिहाइड्रेशन में प्राइमरी अल्कोहल में अलग होगा, सेकेंडरी होगा अलग, टर्शियरी होगा. तो इसमें ए पार्ट पढ़ते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल. डिहाइड्रेशन के लिए दो रिएजेंट है अपने पास, एक है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट हाई टेम्परेचर और दूसरा है कैटलिस्ट एल्यूमिना. एल्यूमिना हमको पता है Al2O3 एट वेरी हाई टेम्परेचर. बस कैटलिस्ट ऐड करो और हीट कर दो तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होगा. तो ये क्या है हमारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट, है ना, दोज एजेंट विच कॉजेस डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल. तो प्राइमरी अल्कोहल सल्फ्यूरिक एसिड और एल्यूमिना, सेकेंडरी अल्कोहल सल्फ्यूरिक एसिड एंड एल्यूमिना. तो डिहाइड्रेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल. लेट अस टेक द स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी एल्कोहल. क्योंकि हमें वाटर रिमूवल दिखाना है तो स्ट्रक्चर वाइज जब लिखते हैं तो ज़्यादा सिंपल हो जाता है. दिस इज इथाइल अल्कोहल, CH3CH2OH है, प्राइमरी अल्कोहल है, 1 degree ROH. दिस विल बी डिहाइड्रेटेड by using 95% concentrated H2SO4 at 443 Kelvin. Or, क्या लेना है, catalyst alumina Al2O3 at 623 Kelvin. ये दोनों में से कोई एक कंडीशन इफ वी अप्लाई देन डिहाइड्रेशन रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. देखिए रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो रहा है एंड व्हाट प्रोडक्ट वी गेट. आप बोलेंगे मुझे क्या प्रोडक्ट मिलेगा हमें यहाँ पर, वी गेट अल्कीन, है ना,
यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा बेटा, ये दोनों कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया वी गेट इथीन, करेक्ट, वी गेट इथीन, तो इथीन आ जाएगा नेक्स्ट पॉइंट कम्स 2 डिग्री आगे इसका डिहाइड्रेशन। अब सेकेंडरी अल्कोहल को डिहाइड्रेट करेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल का एग्जांपल बनाया हमने यहाँ पर प्रोपेन टू ऑल इज अ सेकेंडरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी कार्बन है, इस पे OH अटैच है, इसका वैसे नोमेनक्लेचर है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, करेक्ट है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। नाउ दिस आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते, तो इसका डिहाइड्रेशन के लिए जो कंडीशन है वो थोड़ी डिफरेंट कंडीशन, यूज तो सल्फ्यूरिक एसिड करना है लेकिन यहाँ 60% कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट 373 केल्विन और कैटलिस्ट एल्यूमिना यूज कर रहे हैं तो टेम्परेचर लग रहा है 523 केल्विन। अब डिहाइड्रेशन करेंगे आप तो क्या रिमूवल, तो ये OH तो रिमूव होने वाला है, आप लेफ्ट हैंड वाला हाइड्रोजन रिमूव करो या राइट हैंड वाला, वन एंड द सेम थिंग वी गेट द कंपाउंड। कंपाउंड बोलेंगे मुझे आप, क्या मिलेगा कंपाउंड इफ वी रिमूव H2O फ्रॉम कार्बन नंबर 1 एंड 2, तो क्या मिलेगा प्रोडक्ट का फॉर्मूला बोलेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, व्हाट वी गेट इज प्रोपीन, सही है, तो अल्कीन मिल रहा है, यानी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल आपको देता क्या है अल्कीन, ये आप याद रख सकते हो, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल गिव्स द प्रोडक्ट अल्कीन। अब इसी में एक और एग्जांपल लिखते हैं हम, अब वो एग्जांपल देखेंगे आप एंड यू डिसाइड, हमने पहले कभी पढ़ा था, एक रूल पढ़े थे हमने, वो रूल को अप्लाई करना पड़ेगा। कंपाउंड का नाम तो बोल दो पहले, अनिरुद्ध है क्या, अनिरुद्ध लाहिरी, हाँ कंपाउंड का नाम, और कौन कौन है भाई, कौन बोलेगा, ब्यूटेन टू ऑल लावण्या, हाँ अब ब्यूटेन टू ऑल हो गया। अब इससे बेटा कंडीशन तो वही है क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी है ना ये, दिस कार्बन इज सेकेंडरी कार्बन, कंडीशन वही है, मैं लिखता नहीं हूं, यहां डू डू करके साइन लगा दिया, यानी सेम कंडीशन हो गई जो ऊपर की रिएक्शन में थी, काम की बात अपन सर, हाँ जी दोनों में डिहाइड्रेशन है तो वाटर तो मिलने ही वाला है ना। अब कार्बन के नंबरिंग कर लेते हैं, ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। अब इसमें दो पॉसिबिलिटी है, OH तो कॉमन रहेगा, फर्स्ट कार्बन से H जा सकता है, सेकेंड से भी H जा सकता है, करेक्ट है, जब फर्स्ट और सेकेंड से जाएगा वाटर मॉलिक्यूल, C1 C2 बॉन्ड से वाटर मॉलिक्यूल अगर जाएगा तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा ये बोलो मुझे, C1 C2 से प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, जी नहीं CH सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O मिल गया, सही है, ये कंपाउंड का नाम बोल दो, ब्यूट 1 ईन, वेरी गुड ब्यूट 1 ईन। अब बेटा दूसरा वाला स्ट्रक्चर देखो, रिमूवल फ्रॉम 2 एंड 3, अगर हम कार्बन नंबर 2 और 3 का डिहाइड्रेशन करते हैं,
कार्बन टू एंड थ्री का डिहाइड्रेशन, तो मुझे प्रोडक्ट बोलेंगे अभी आप टू एंड थ्री में से डिहाइड्रेशन करें, CH3। फिर से आगे आगे बोल, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, ये दोनों के बीच में से ना, टू एंड थ्री के बीच में डबल बॉन्ड, और लास्ट वाला फर्स्ट कार्बन का यानी वैसे ही रहेगा, सही है, प्लस H2O। ये कंपाउंड का नाम बोलो, ब्यूट, ब्यूटूइन, करेक्ट। अब ये क्या रूल मैं लगाऊंगा, ये आप थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, आप रिकॉल करेंगे तो समझ में आएगा, कोई बोलेगा सही कौन सा रूल लग रहा है यहाँ पर। हमने पढ़ा था एक रूल, सेट्जेफ्स रूल, सत्यजीत रूल। हाँ जी, सेट्जेफ्स रूल क्या बोलता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। अब मोर सब्स्टिट्यूटेड, डबल बॉन्ड है यहाँ पर, डबल बॉन्ड है यहाँ पर, ज्यादा सब्स्टिट्यूशन डबल बॉन्डेड कार्बन पे आना चाहिए। तो यहाँ देखेंगे ये कार्बन डबल बॉन्डेड है, एक हाइड्रोजन है, एक इथाइल ग्रुप है, देख रहे हैं सभी लोग, और ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन है, इस पे दो हाइड्रोजन है। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो सेकेंड कंपाउंड बनाया, पहला डबल बॉन्डेड में एक हाइड्रोजन एक मिथाइल, दूसरा डबल बॉन्डेड में एक हाइड्रोजन एक मिथाइल, यानी इसके ये दोनों कार्बन सब्स्टिट्यूटेड है। इसमें सिर्फ एक ही कार्बन सब्स्टिट्यूटेड है अल्काइल ग्रुप से, आया क्या समझ में, ब्यूटूइन में दोनों कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, और ब्यूट वन इन में एक कार्बन पे इथाइल है और दूसरे पे सिर्फ हाइड्रोजन है। तो बेटा मोर सब्स्टिट्यूटेड कौन सा हुआ, चलो सब लोग बोलो, मोर सब्स्टिट्यूटेड ब्यूट, ब्यूट टू इन, एंड दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट 80%, एंड ब्यूट वन इन इज द माइनर प्रोडक्ट रिमेनिंग 20% अकॉर्डिंग टू सेट्जर्स रूल, अकॉर्डिंग, यस अकॉर्डिंग टू सेट्जर्स रूल। तो ये है सेकेंडरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन। अब टर्शियरी का तो और भी इजी हो जाता है डिहाइड्रेशन, अगर हम टर्शियरी अल्कोहल को लिखे यहाँ पर, तो देखिए मैं टर्शियरी अल्कोहल को थोड़ा स्ट्रक्चर वाइज लिखना पड़ेगा आपको, तो ये टर्शियरी अल्कोहल आ गया। दिख रहा है सभी को ये OH ग्रुप, ऐसा क्यों करें, OH ऊपर लगा देते हैं और ये CH3 रखते हैं, ये CH3 रखते हैं, और ये CH3 को स्प्लिट करके स्ट्रक्चरल फॉर्म है। क्या ये टर्शियरी कार्बन, यस इट इज अ टर्शियरी कार्बन, सिंस इट इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू थ्री अदर कार्बन, एंड टू दिस पर्टिकुलर कार्बन OH इज एडेड, सो दिस इज अ टर्शियरी एल्कोहल नेम्ड एज टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल। अब इसका जब डिहाइड्रेशन करेंगे तो उसमें कंडीशन देखते जाएंगे आप, पहले कंडीशन क्या है, फिर दूसरे सेकेंडरी में कंडीशन क्या है। अब टर्शियरी में क्या होता है, ओनली 20% कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया और टेम्परेचर भी कम हो जाएगा 363 केल्विन, यहाँ 373 केल्विन था, यहाँ 363 केल्विन, और अगर एल्यूमिना यूज करेंगे Al2O3 तो उसका भी टेम्परेचर कम हो जाएगा 423 केल्विन। अब बेटा डिहाइड्रेशन करना है अपने को, डिहाइड्रेशन रिमूवल ऑफ वाटर, तो कहाँ से रिमूव हो गया, ये OH और ये H है ना, ये H2O रिमूव हो गया, तो
बाकी क्या बचा? CH3, CCH3, डबल बॉन्ड CH2. वी कॉल दिस एज आइसोब्यूटाइलीन, आइसोब्यूटाइलीन. और टू मिथाइल प्रोपीन. डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन में प्रोडक्ट क्या मिल रहा है बेटा? अल्कीन मिलता है ना, तो आ गया ना डबल बॉन्ड यहाँ पर. जैसे सभी तरफ में आपको अल्कीन मिला, तो ये भी अल्कीन आ गया. तो ये है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल. डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, क्या प्रोडक्ट मिल रहा है? अल्कीन. टर्शियरी प्राइमरी के लिए कंडीशन 95 कॉन्सेंट्रेटेड, 95% कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट 443 केल्विन. यानी प्राइमरी में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन लग रही, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, टेम्परेचर भी ज्यादा. और एल्यूमिना अगर ले रहे कैटलिस्ट, उसमें भी टेम्परेचर 623. तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन डिफिकल्ट है. सबसे इजी डिहाइड्रेशन किसका हो रहा है? टर्शियरी अल्कोहल का, है ना. 3 डिग्री ROH, 3 डिग्री ROH का डिहाइड्रेशन के लिए आपको सिंपल 20% कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 363 केल्विन. टेम्परेचर प्राइमरी से बहुत कम हो गया, कॉन्सेंट्रेशन भी कम लगा, और कैटलिस्ट भी देखो 423 पे काम कर रहा है. प्राइमरी में कैटलिस्ट काम कर रहा था 623, सेकेंडरी में 523, टर्शियरी में 423 केल्विन. तो ये कॉन्सेंट्रेशन भी कम हो गया, टेम्परेचर कम हो गया, तो टर्शियरी इज मोर इजीली गेट डिहाइड्रेटेड देन सेकेंडरी एंड प्राइमरी. ओके, सो दिस इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल. और ये सेडजेफ रूल भी आपने लिखा, करेक्ट है. अब नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल. उसमें भी ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड ही रहेगा, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल. अच्छा, इसकी समरी बनाएंगे क्या आप लोग? जैसे कल हमने समरी बनाया था एक रिएक्शन का, वैसे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की समरी बनाओ. चलो नया तो नहीं चालू करता, लेकिन इसकी समरी हम लोग बनाते हैं यहाँ पर, है ना. आपको एडवांटेज मिलेगा, याद रखने में आसानी होगी. समरी कैसा बनेगा? आप यहां लेंगे 1 डिग्री ROH, 2 डिग्री ROH, 3 डिग्री ROH, तीनों पे कंडीशन लिख दो. तो 95% H2SO4, 443 केल्विन, और Al2O3 623 केल्विन. अब एलिमिना का एडवांटेज देखो क्या है कि 100-100 डिग्री से कम करते जाने का. पहला याद रख लिए 623, सेकेंड 523, थर्ड वाला 423. तो ये कंडीशन देखो आपको कितनी आसानी से याद हो गई, एलिमिना वाली. ऐसे सल्फ्यूरिक एसिड वाली रखना है 95, देन 60%, देन 20%. और टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा? 373 केल्विन और 363 केल्विन. तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, आ गया तीनों अल्कोहल. इन सब का बेटा प्रोडक्ट क्या मिलेगा? अल्कीन. डिहाइड्रेशन है तो वाटर मिलेगा, है ना. ये काई की समरी बन गई आपकी, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल. सही है. तो आपको असाइनमेंट दे दिया था हमने, 3 क्वेश्चन मिल गए. वो पढ़ा हमने लुकास रिएजेंट को यूज करना है टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी लुकास रिएजेंट से. और अभी आज पढ़े हमने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, तीनों की अलग अलग कंडीशन.
बात कर रहा था मैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। अब ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करने वाले हैं हम लोग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे मैंने अलग से आपको लिखा दिया था ना कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट दो है, यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज करने वाले हैं एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, जिसको लिखते हैं K2Cr2O7-H2SO4, या फिर अल्कलाइन KMnO4, अल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4। ये दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमको यूज करना है। अब ऑक्सीडेशन में होता क्या है, जस्ट एक आपको आउटलाइन बताता हूं मैं। डिस्कशन कल पढ़ेंगे, रिएक्शन कल पढ़ने वाले हैं। इसमें हम प्राइमरी अल्कोहल को जब ऑक्सीडाइज करते हैं तो अल्डिहाइड मिलता है, सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमें कीटोन मिलता है, लेकिन टर्शियरी अल्कोहल, इसका ऑक्सीडेशन वेरी डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडेशन फिर भी करते हैं, अब केमिस्ट लोग हैं तो क्या करते हैं, पहले ये टर्शियरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर देते हैं, उसको बनाते अल्कीन, और फिर अल्कीन का ऑक्सीडेशन करते हैं। तो वो इनडायरेक्ट तरीके से करते हैं, लेकिन ये दोनों अल्कोहल का ऑक्सीडेशन डायरेक्टली पॉसिबल है। तो ये ऑक्सीडेशन कल पढ़ेंगे। आप ये जो आज असाइनमेंट दिया है इसके क्वेश्चंस बेटा लिख के लेके आओ। अच्छा, हम थोड़ी देर अभी बात कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दिया है।